बिहार के भीतर ये जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का एक जो बड़ा गैप होते जा रहा है, हमें लगता है कि इस गैप को बिना भरे, इसको बिना दुरुस्त किए आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करते रहें, वो सिर्फ ढिंढोरा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं इस सदन में ये प्रस्ताव रखता हूं कि कॉमन स्कूल सिस्टम को बिहार के अंदर दोबारा से बिहार के अंदर लागू करने की तैयारी की जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम के कई आधार हैं, उसमें ये नियम बनाया जाए कि आपको अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से अपने घर से सबसे नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा, ये कानून बनाना चाहिए हमें। महोदय, जिस तरीके से इस सदन का कस्टोडियन आप हैं, वैसे ही इस देश का कस्टोडियन, इस देश के लोकतंत्र का कस्टोडियन यहां का संविधान है। संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि समान शिक्षा दिए बगैर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इक्वल एजुकेशन अगर नहीं देंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, और पूरी दुनिया में इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन आज पूरे देश के भीतर और बिहार के भीतर शिक्षा को बाजार की सामान बना करके, बाजार की वस्तु बना करके, हमने बिहार के और देश के तमाम करोड़ों छात्रों को, बच्चों को गरीब और अमीर में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिनमें नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए महंगे स्कूलों में 1-1 लाख रुपए लग जा रहे हैं, उन स्कूलों में तमाम ऐसी फीसें हैं, वो स्कूल बाद में है महोदय, वो पहले दुकान है, और उस दुकान में जो मध्यम दर्जे के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपना पेट काट करके पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों में अगर कोई 10वीं तक की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है, तो आप समझिए कि वो बच्चा आगे चल करके वो जो इन्वेस्टमेंट उनका है उसको ब्याज सहित निकालेगा। और इसीलिए हम ये मांग करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूलों का एक पूरा चक्रजाल देश के अंदर बिछा हुआ है, बिहार के अंदर बिछा हुआ है, उसके खिलाफ एक कठोर कानून यहां से सदन से पारित हो, उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की स्थिति। सरकारी स्कूलों की स्थिति पे हम ये कहना चाहेंगे कि वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहद घटिया किस्म की है, वो अदृश्य पढ़ाई लिखाई है, और जब हम अदृश्य पढ़ाई लिखाई उसको कह रहे हैं, अधूरा कह रहे हैं, तो उसका एक रिपोर्ट बिहार सरकार का रिपोर्ट है 8 सितंबर 2018 को प्रकाशित एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के भीतर जो स्कूलों में उपस्थिति होती है बच्चों की वो एवरेज 28% है, सिर्फ 28%। 11वीं और 12वीं के बच्चों का जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 3.67%, 3.67% 11th और 12th में बच्चे अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं क्लास में। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप हमें ये बताइए, हम मंत्री महोदय से और सरकार से जानना चाहेंगे कि तब ये पोशाक कौन पहन रहा है, ये साइकिल चला कौन रहा है, बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे। असल में बिहार के भीतर ये जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का एक जो बड़ा गैप होते जा रहा है, हमें लगता है कि इस गैप को बिना भरे, इसको बिना दुरुस्त किए आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करते रहें, वो सिर्फ ढिंढोरा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं इस सदन में ये प्रस्ताव रखता हूं कि कॉमन स्कूल सिस्टम को बिहार के अंदर दोबारा से बिहार के अंदर लागू करने की तैयारी की जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम के कई आधार हैं, उसमें ये नियम बनाया जाए कि आपको अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से अपने घर से सबसे नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा, ये कानून बनाना चाहिए हमें। और इसके कुछ आधार हमारे पास हैं। 2007 में बिहार सरकार ने मुचकुंद दुबे कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी ने यह कहा कि बिहार जैसे राज्य में शिक्षा को अगर बेहतर करना है तो आपको कॉमन स्कूल सिस्टम से ही वो हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, ये उस कमेटी का रिकमेंडेशन कहता है महोदय। और हमने देखा यूरोप का एक बहुत पिछड़ा देश, यूरोप का सबसे शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ देश फिनलैंड है, 1970 के दशक तक वो सबसे पीछे वाला देश था, लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम वहां हुआ एक आंदोलन के बाद, और 30 साल के भीतर वो यूरोप का पहला देश बना शिक्षा के माध्यम पे, और पूरे दुनिया में आज फिनलैंड जो है वो अपने स्कॉलर्स को प्रोवाइड करता है, स्कॉलर अपना भेजता है, उससे उसकी आमदनी हो रही है। तो ये हम चाहते हैं G8 जो दुनिया के सबसे 8 शक्तिशाली देशों का एक समूह है, उसमें इंग्लैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 जो देश हैं वहां पे कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड स्कूल सिस्टम ये लागू है। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के अंदर भी बिहार इसकी शुरुआत करे और पूरे देश को एक रोशनी दिखाए, इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहां पे रख रहे हैं। आजादी के 70 साल हो गए महोदय,
और देश के करोड़ों बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय चाहिए। और शिक्षा के मामले में न्याय तभी संभव होगा जब आप कॉमन स्कूल सिस्टम को, समान शिक्षा प्रणाली को बिहार के अंदर और देश के अंदर लागू करेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहां पर रखना चाहते हैं। इस सदन के सामने मैं एक दूसरे बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमने देखा है सरकार का एक टर्म यूज होता है पारा टीचर, जिसका हिंदी में मतलब हुआ अर्ध शिक्षक। सरकार अर्ध शिक्षक की नियुक्ति कर रही है, शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर रही है, शिक्षा सेवक की नियुक्ति कर रही है, टोला सेवक का, तालीमी मरकज की नियुक्ति कर रही है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। क्योंकि शिक्षक की आप जब नियुक्ति करने लगेंगे तो आप समझिए कि उनको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, उनको पूरा अधिकार देना पड़ेगा। पूरे बिहार के भीतर 2.75 लाख शिक्षक हैं जो समान काम के समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 39 का ख सेक्शन जो है, 20 सेक्शन जो है, वो ये कह रहा है कि आप एक काम के लिए दो दो वेतन नहीं दे सकते हैं। महोदय, हम इस सदन में ये बात कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक यहां पर जितने हम लोग मौजूद हैं, अगर ये नियम बन जाए कि आधे विधायकों को पूरा पेमेंट, पूरा टीए और डीए मिले और आधे विधायकों को कोई टीए डीए नहीं मिले, सिर्फ आधा वेतन मिले, आप समझिए इस सदन के अंदर किस तरह का माहौल होगा, सदन का लोकतंत्र कैसा होगा, यह समझना चाहिए। उन तमाम शिक्षकों के लिए, वो चाहे टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, या गेस्ट फैकल्टी हो, गेस्ट टीचर हो, उनके लिए स्कूलों में यही माहौल बना के रख दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि उन तमाम शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करे, ये हम सदन के सामने रखना चाहते हैं। एक मिनट मात्र रहा है महोदय। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो देश के अंदर उच्च शिक्षा की जो हालत है, बिहार उसमें सबसे बदतर स्थिति में है। उच्च शिक्षा का इनरोलमेंट रेट जो है राष्ट्रीय स्तर पे वो 26.3 है, लेकिन हमारे बिहार में वो 10 और 11% के आसपास जाकर के लटक गया है। हम नए विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे हैं, पूरे बजट के भीतर पॉलिटेक्निक और आईटीआई से आगे की बात नहीं की गई है और हम धराधर कॉलेज और स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। किशनगंज में, सीमांचल के किशनगंज में एएमयू खोलने की बात थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां खोलने की बात थी, अभी तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी, उसके 118 एकड़ जमीन को सरकार ने आईआईएम को दे दिया है, उसमें 6 छात्रावास, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर के 6 छात्रावास, एक स्टेडियम और 32 जो स्टाफ क्वार्टर है वो आईआईएम को चला गया है। नए विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं, लेकिन जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनको धराधर एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं हम लोग। इसलिए महोदय, मैं मगध विश्वविद्यालय के तमाम 1 लाखों छात्रों की तरफ से और जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उन तमाम छात्रों के बिहाफ पे मैं यह कहना चाहूंगा कि इस निर्णय को तुरंत सरकार वापस ले और आईआईएम को कहीं और पे शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जब शिक्षा पे बात हो रही है तो 2 पॉइंट मैं बस महोदय कहकर के बैठ जाऊंगा। जब शिक्षा के बात पे बात हो रही है तो निश्चित तौर से परीक्षा पे बात होना चाहिए। शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों का जो रोजगार का मसला है उस पर बात होनी चाहिए। 94,000 टीचर को लेकर के इस सदन में कई बार बात हुई, मंत्री महोदय ने कहा कि उस पर सरकार काम कर रही है, आईए फाइल हो गया है कोर्ट के अंदर, लेकिन उसका मेंशनिंग नहीं हो रहा है। जब तक मेंशनिंग नहीं होगा तब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी, तब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उसकी मेंशनिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। दरोगा बहाली का महोदय, दरोगा बहाली के पीटी में और मेंस में दोनों जगह खुलेआम धांधली हुई है, अखबार में छपे हुए, सोशल मीडिया में उसका सबूत घूम रहा है। उसमें स्टूडेंट्स को न तो क्वेश्चन पेपर दिया गया, न कार्बन कॉपी जो एमआर सीट की थी वो उनको दिया गया, और न तो रिजल्ट के प्रकाशन में कोई कटऑफ दिया गया है, न तो कोई मॉडल आंसर की दिया गया है। उस पे एक इंक्वायरी हो, वो बहाली रद्द हो। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।